कैसा लग रहा है आपको ये यमी चॉकलेट पिज्ज़ा? तो आज इसी की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो दोस्तों, चॉकलेट पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस, 1 बनाना 1 एप्पल। आप चाहें आपकी पसंद के कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। जो आप अपने पिज़्ज़ा के ऊपर लेयर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक छोटा सा क्यूब चीज़ का है, चॉकलेट गनाश है, कंडेंस मिल्क है, चॉकलेट शेविंग्स हैं, टूटी फ्रूटी है और डेसिकेटेड कोकोनट है। और इसके अलावा चॉकलेट बिस्किट आप चाहें तो ओरियो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बर्बन लिया है क्योंकि इस टाइम मेरे यहाँ यही मिला और ये मेरा फेवरेट भी है। तो आप भी आपकी पसंद के कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर तवा रख लिया है और इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस रखा है मैंने, और इसको नीचे से इसके जो क्रस्ट को थोड़ा सा गोल्डन कलर लाना है हमें, और उसके बाद हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद इस पर अपनी जो टॉपिंग्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो गैस को करते हैं बंद और ये जो पिज़्ज़ा बेस है ये नीचे से हो गया है एकदम से कड़क, और इसको निकालते हैं और अब इस पर लगाने शुरू करते हैं अपनी पसंद की टॉपिंग्स। तो सबसे पहले ये जो हमने गनाश बनाया हुआ है ये इस पर लगाएंगे अच्छे से। तो गनाश हमारा अच्छे से लग गया। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ये जो हमारा कोकोनट पाउडर है, और कोकोनट और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों, बहुत मस्त लगता है। तो अच्छे से सारे में लगा लेंगे इसको। तो कोकोनट हमारा लग चुका है और अब हम इस पर लगाएंगे अपने बर्बन। बस बहुत है। और अब मैं इसमें बनाना के स्लाइसेस रखूंगी, मतलब ये ऐसा है पिज़्ज़ा, चॉकलेट पिज़्ज़ा फ्रूट्स डालकर, कि जो लोग फ्रूट्स खाने में नखरे लगाते हैं ना वो भी खाएंगे। अब बनानास लगा चुके हैं, अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपने एप्पल्स के जो स्लाइस कट किए हैं। कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट्स के फ्रूट्स के साथ, टूटी फ्रूटी बहुत प्यारी लगती है। तो फ्रूट्स लग गए, टूटी फ्रूटी लग गई, बिस्किट लग गए, और अब टाइम है चॉकलेट की शेविंग्स डालने का। मतलब लोडेड चॉकलेट पिज्जा। तो चॉकलेट से ये हो चुका है लोड और अब टाइम है इस पर चीज ग्रेट करने का। पिज्जा है तो चीज तो होना ही चाहिए ना। तो चीज लोड हो चुका है इस पर और अब हम इस पर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क जो है वो ड्रिप करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो रनी हो जाए बहे, इतना नहीं, बहुत हल्का सा। तो कंडेंस मिल्क भी ड्रिप हो गया और फाइनली थोड़े से चॉकलेट के शेविंग्स और बस ये कंप्लीट है मेरी तरफ से। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ये पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा हो, तो थोड़ा सा कष्ट तो दोस्तों उठाना पड़ेगा। जितना ये देखने में यमी लग रहा है ना, ट्रस्ट मी खाने में भी इतना ही यमी है। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसका स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ये चॉकलेट पिज़्ज़ा का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। थैंक यू।